आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। एक बार फिर से लगने वाला है आप सभी को झटका। मोदी जी फिर से बंद करने वाले हैं नोट। इस बार बंद होगा 2000 रुपए का नोट। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि 31 दिसंबर के बाद 2000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं। खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। लोग खबर की सच्चाई जानना चाह रहे हैं। चलिए आज हम बताते हैं, क्या सच में 2000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं? ये मामला संसद तक पहुंच गया और आखिर में सरकार को इस पर सफाई भी देनी पड़ी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फिलहाल कोई इरादा सरकार का नहीं है। अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया में चल रही खबर को अफवाह बताया। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि 2000 रुपए के नोट बंद करने के बाद दोबारा से 1000 रुपए के नोट शुरू किए जाएंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने इसको सिर्फ अफवाह बताया है और सरकार के द्वारा किसी भी तरह से नोट को बंद करने की कोई बात अभी तक फिलहाल नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट।